नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ़ नॉन परमानेंट साइनेज जिस तरीके से हमने डिस्कशन किया अबाउट द परमानेंट साइनेज इसी तरीके से अब हम डिस्कशन करेंगे ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ऑफ नॉन परमानेंट साइनेज के हवाले से तो सबसे पहले रिटेलर के लिए जो नॉन परमानेंट साइनेज है वो नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि वो प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की प्राइस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की प्रमोशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये सारी जो साइनेज है दैट इज अबाउट नॉन परमानेंट साइनेज क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो रिटेलर के पास है दैट इज प्रोवाइडिंग सफिशेंट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट तो जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है अबाउट द प्रोडक्ट अबाउट द प्रोडक्ट प्राइस अबाउट द प्रोडक्ट प्रमोशन प्राइस प्रमोशन इन्फॉर्मेशन वो सारी चीज़ें आपको एज एन ऑब्जेक्टिव सेट करनी है फॉर नॉन पर्मेंट साइनेज देन अंडरलाइन सेल्फ सर्विस मेंटालिटी साइनेज का एक और जो बहुत कोर ऑब्जेक्टिव आप हमेशा डिसाइड करते हैं वो स्पेसिफाई करें कस्टमर को ऑब्जेक्टिव को सेट करें कि सेल्फ सर्विस मेंटालिटी को की बेसिस के ऊपर हो फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज नो वन विच इज़ अवेलेबल टू गाइड टू द कस्टमर उस सूरत में क्या साइनेज वो सर्व पर्पज सर्व करता है कि नहीं करता

प्रोडक्ट डिसीजन के लिए हेल्प करे असिस्ट करे ताकि कस्टमर जो है वो बाइंग डिसीजन आसानी से ले सके फिर तमाम लीगल रेगुलेशंस को रिस्पेक्ट करना इज़ आल्सो वन ऑफ़ दी ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि लेट्स से अगर आप स्टोर के अंदर नॉन परमानेंट साइनेज नहीं लगाते हैं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं कि जहाँ पर देर इज़ नॉ दिस इज दिस इज कंसिडर्ड एज नॉन कम्पलाइंस ऑफ लीगल रेगुलेशन तो दिस शुड बी अवॉइडेड तो आपका नॉन परमेंट साइनेज सर्व करता है पर्पस को कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं तमाम लीगल रेगुलेशंस को इसी तरीके से आप जो टेल्स के ऊपर जो चेकआउट काउंटर के ऊपर जो डिलेज हैं आप उनको अवॉइड करना भी इज वन ऑफ ऑब्जेक्टिव और एनेबल करेक्ट स्टॉक मेंटेनेंस साइनेज के थ्रू प्रॉपर साइनेज के थ्रू द इट इट हेल्प्स स्टाफ के वो स्टॉक की मैंटेन्स को करेक्ट कर सकें प्रॉपर तरीके से करेक्ट तरीके से स्टोर की जो स्टॉक है उसको मेंटेन कर सकें सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन परमानेंट साइनेज अब हम डिस्कशन के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी ऐसी पॉसिबल मिस्टेक्स हैं जो कि साइनेज के अंदर हो जाती हैं अगर हम परमानेंट साइनेज के परस्पेक्टिव में बात करते हैं परमानेंट साइनेज के हवाले से सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली पॉसिबल मिस्टेक क्या हो सकती है कि जो साइनेज है वो प्रॉपर कंडीशन के अंदर नहीं है या वो डैमेज है या वो डर्टी है तो साइनेज हैज़ टू बी इन प्रॉपर कंडीशन सो पॉसिबल मिस्टेक ये है कि दे आर नॉट इन प्रॉपर कंडीशन तो या साइनेज जो है वो हिडन है या साइनेज जो है वो इलीगल साइनेज के तौर पर लगा हुआ है देन साइनेज नॉट इन द कॉर्पोरेट स्टाइल हर रिटेलर की कुछ कॉर्पोरेट गाइडलाइंस हैं सो एज़ अ रिटेलर आपको इवेल्यूएट करना है आपको अंडरस्टैंड करना है कि मेरे पास जो साइनेज मैंने लगाया है वो मेरे कॉर्पोरेट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली लगाया है देन जो मिस्टेक्स रिलेटेड टू नॉन परमानेंट साइनेज है वो सबसे पहली बड़ी मिस्टेक जो ऑब्जर्व की जाती है दैट इज़ द स्पेलिंग मिस्टेक तो यू शुड मेक श्योर कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो कि गलत इंफॉर्मेशन हो या ओल्ड इंफॉर्मेशन हो इसी तरीके से कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग ना हो कोई भी साइनेज मिसिंग ना हो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली रीडेबल हो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नॉट रीडेबल हो साइनेज तो मौजूद हो लेकिन कस्टमर उसको प्रॉपर तरीके से रीड ना कर पा रहा हो एंड देन साइनेज विच इज नॉट इन लाइन विद दॉरपोरेट स्टाइल तो आपके जो नॉन परमानेंट साइनेज हैं दे शुड भी ऑल्सो इन अ लाइन विद दॉरपोरेट स्टाइल विद द कॉरपोरेट गाइडलाइंस ऑफ योर रिटेल ऑर्गनाइजेशन तो ये वो पॉसिबल मिस्टेक्स हैं जो साइनेज के हवाले से बेशक वो परमानेंट साइनेज के हवाले से हो या बेशक वो नॉन परमानेंट साइनेज के हवाले से हो दोनों सूरतों में एक रिटेलर करता है तो रिटेलर शुड अवॉइड ऑल सच मिस्टेक्स आइदर दे आर परमानेंट बिलोंग्स टू परमानेंट साइनेज और दे बिलोंग्स टू नॉन परमानेट साइनेज हमारे पास देन इन ऑर्डर टू कंक्लूड लास्ट के अंदर देर आर प्रिंसिपल्स फॉर साइनेजेस तो फोर की प्रिंसिपल्स हैं वाइल डूइंग द साइनेज इन टू द रिटेल स्टोर वाइल मेटेनिंग द साइनेज इन टू द रिटेल स्टोर तो क्या वो चार बेसिक प्रिंसिपल हैं सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे पास है दैट यू नीट टू रिस्पेक्ट कॉरपोरेट स्टाइल ऑफ फॉर साइनेज आपको अपनी कॉरपोरेट गाइडलाइंस को कॉरपोरेट स्टाइल को रिस्पेक्ट करना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टोर वन के अंदर एक डिफरेंट स्टाइल से साइनेज हो और स्टोर टू के अंदर एक डिफरेंट स्टाइल से साइनेज हो सो यू नीट टू रिस्पेक्ट दॉरपोरेट स्टाइल ड नंबर के ऊपर द प्रिंसिपल दैट इज यूज पोस्टर्स फॉर पैलेट प्रजेंटेशन आपको वो तमाम प्रोडक्ट विच यू डिस्प्ले ऑन द पैलेट वो मैस मर्चेंडाइजिंग जिनकी आपने की है उनकी साइनेज जो है दे शुड बी यूनिड टू यूज पोस्टर्स फॉर दैट दैन थर्ड प्रिंसिपल इज अटैच द साइनेज वर्टिकली टू द प्रोडक्ट इन वन लाइन और तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइनेज को आपने वर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ अटैच करना है दिस इज़ द गाइडलाइन ताकि उसकी इफेक्टिवनेस साइनेज की इफेक्टिवनेस को कस्टमर के से जो आउटपुट आप लेना चाहते हैं जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है वो आप अचीव कर सकें और फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर साइनेज इज़ दैट यू नीड टू मेनटेन साइनेज एकोरेसी एट एनी टाइम सो यू नीड टू इंश्योर देर इज़ नो मिस्टेक इन दिस साइनेज देर इज नो स्पेलिंग मिस्टेक देर इज नो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन मिस्टेक देर इज नो प्राइसिंग मिस्टेक और एनी अदर मिस्टेक सो देशी ऑफ साइनेज हैज टू बी देर अगर एक रिटेलर इन प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली तरीके से फॉलो करता है इसका मतलब ये है कि वह तमाम ऑब्जेक्टिव जो उसने सेट किए हैं अपनी प्रमोशन के वो अचीव करेगा और अगर इन प्रिंसिपल्स की कंप्लाइंस नहीं की जाएगी तो अल्टीमेटली रिटेलर अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली एक फेलियर का सामना करना पड़ेगा